मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ मिस्टर विजेंद्र डागर जी का केस। मैं काफी आभारी हूँ मिस्टर डागर का, जिन्होंने अपनी सहमति दी कि हम उनको आपके सामने पेश कर सकें। मिस्टर डागर मेरे पास 2 हफ्ते पहले अपनी कुल्हे की हड्डी टूटने के बाद आए थे। जब मैंने इनके कुल्हे का एक्सरे देखा तो मैंने पाया कि इनकी कुल्हे की हड्डी टूटी हुई। हमने जब डागर साहब का एक्टिव लाइफस्टाइल देखा, विदाउट एनी हेजिटेशन आई डिसाइडेड टू डू ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ऑपरेशन के 2 हफ्ते के बाद मिस्टर डागर आज हमारे पास स्टिच कटवाने के लिए आए हैं। इनके टाके कट गए हैं और घाव अच्छे से भर गया। इस तरह के फ्रैक्चर में टोटल हिप रिप्लेसमेंट बड़े अच्छे से काम करता है। बाकी की बातें आपको मिस्टर डागर बताएंगे। मेरे को 22 तारीख को ना, मैं गिर गया था रात को 9:15 साढ़े 9 के आसपास साकेत कोर्ट के सड़क पर। गिरने से मेरी कुल्हे की हड्डी टूट गई। सुबह के टाइम मिसिज और मेरा बेटा यहाँ पे लेके गए, उसका एक्सरा किया। नेक्स्ट डे इन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन से पहले मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी, मेरे को तो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी कुल्हे की हड्डी टूट गई है। नेक्स्ट डे मैं वॉकर के थ्रू उठ के बाथरूम चला गया था, थोड़ा थोड़ा घूमने लग गया था, और पेन का तो मतलब पता ही नहीं लगा कि पेन है या नहीं है। बिल्कुल, मतलब पहले तो मैं वॉकर के थ्रू चलता था 1 वीक, तो 1 वीक के बाद फिर मैं अपने बैक स्टिक के थ्रू चलने लगा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 वीक में हो सकता है मुझे स्टिक की भी जरूरत ना पड़े। तो बहुत नाइस हॉस्पिटल, वेरी नाइस।